ये बताइए मुझे ऐसे करती ये टॉर्चर करती है आपको भाई टॉर्चर महिला आयोग वाले लोग जरा देखिए को पुरुष आयोग बनाना पड़ेगा हे फैमिली वेलकम बैक टू आवर ब्लॉग चैनल मिस्टर मिसेस प्रशून। तो दोस्तों आज के प्यारे से ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। मैं भी हूँ और निशा भी है। बाकी गाइज अभी क्या है कि मैं तो बहुत खुश हूँ बट निशा थोड़ा सा उदास है ना सोना, क्योंकि गाइज आज नानी घर पे मेरा रिसेप्शन है। जैसा कि आप सभी को मेरा रिसेप्शन है, नानी घर पे आज रिसेप्शन है मेरा नहीं, ये मेरा फिर से शादी करवाने के चक्कर में तुली हुई है। तो आज आपने बोला मेरा रिसेप्शन है, उसमें रिकॉर्डेड है, देख लीजिए। अच्छा कोई नहीं गाइज, वो अगर मिस्टेक हो गया तो डोंट वरी, बट आज मेरे मामा के बेटे का रिसेप्शन है तो आज मुझे वहाँ पे जाना है और माँ को भी लेकर आना है। तो अभी मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, बट था प्लान कि निशा भी जाएगी बट पापा ने बोला कि नहीं अभी बाबू छोटी है तो इधर उधर मत लेके जाया करो, फिर यहाँ पर भी प्रॉब्लम होगी। और थोड़ा सा बाबू आज थोड़ा सा सुस्त लग रही थी ना, तो इसलिए भी हम लोग सोचे कि चलो यार ऐसे भी शादी का माहौल होता है तो जानते गाइस बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, भीड़ भाड़ होती है, बहुत सारे गेस्ट आए रहते हैं तो फिर इतने छोटे बच्चे को लेके जाने में थोड़ा सा टफ हो जाता है। और ऐसे भी गाइस निशा आज तक वहाँ पर गई नहीं है, और जब से मैं भी ब्लॉगिंग कर रहा हूँ तब से आज पहली बार मैं वहाँ पर जाने वाला हूँ, तो बहुत ज़्यादा सुपर एक्साइटेड क्योंकि सभी सभी गाइस पता है इससे पहले तो हम लोग मतलब अम्बाला में ही थे और मैं नानी घर गया नहीं हूँ, तो ब्लॉगिंग तो हमारी अम्बाला से ही शुरू हुई है और मामा मामी सब भी ब्लॉग देखते हैं हमारा बैठ के भाई, क्योंकि जब कभी कभी फ़ोन पे बात होती तो बताते तो भाई मुझे भी बहुत ये लग रहा है कि जाऊँगा तो क्या कहेंगे वो लोग। बट चलिए होप खूब मज़ा आएगा, खूब इन्जॉय करेंगे। मेरी जो जितनी मेरी अच्छी फैमिली, जैसा कि आप सब लोग कहते हैं कि भैया आपकी फैमिली बहुत अच्छी है, तो गाइस इस मामले में बहुत लकी हूँ कि मेरी यहाँ की भी फैमिली बहुत अच्छी है और निशा के जो मतलब जो फैमिली है ना, चाहे वो अंकल आंटी हो पापा मम्मी जी, तो आप लोग देखे इतने अच्छे और इतना प्यार मिलता है, मतलब इस मामले में तो मैं बहुत लकी हूँ। ये लकी है ये नहीं है बट मैं इस मामले में बहुत लकी हूँ, मुझे बहुत खातिरदारी बहुत प्यार मिलता है। मतलब एक होता ना ऐसे तो लोग बोलते नहीं कि दामाद को मतलब इज्जत दिया जाता है प्यार किया जाता है, लेकिन वो मैं बेटे जैसा हूँ, मैं एकदम घर लगता है कि मुझे लगता ही नहीं कि मैं अपने घर पर नहीं हूँ, एक बल भी फील नहीं होता है। बट निशा भी अपने मम्मी पापा को बहुत ज़्यादा मिस कर रही है और इसे हिम सागर आम खाने का बहुत मन कर रहा है जो वेस्ट बंगाल का फेमस है। आएंगे लेके पापा, पापा जी पता नहीं कैसे रह रहे होंगे। और इधर हमारी देखिए बुट को एकदम मस्त सोई हुई है। बाकी गाइस मैं थोड़ा रेडी वेडी हो चुका हूँ और निकलूँगा, अभी करीब करीब दोपहर के 1 बज रहे हैं। और आप लोग जैसा कहते थे कि भाई सचिन भैया वाला गिफ्ट तो वो हम लोग ने दिखाई दिया पिछले ब्लॉग में, जो नहीं देखे वो जाके देख लीजिए। कैसे रहोगे फिर आप? कैसे रहेंगे बाब, एक्चुअली बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है खाना बनाने के लेके, खाना बनाने में प्रॉब्लम नहीं लेकिन ऊपर नीचे का किचन है, एक में वेज बनता है एक में नॉन वेज बनता है। अब अगर मेरे घर में दो मतलब हैं, अगर नॉन वेज लेके आ जाते हैं तो प्रॉब्लम हो जाती है, वही बात है। कल तो भाई साहब कल भी कोई आ गया था तो इस कारण से बहुत प्रॉब्लम, तो मेरा एकदम दिमाग गुस्सा एकदम हो गया था बहुत ज़्यादा। और फिर थोड़ा बहुत इनको आदत है थोड़ा रोटी चावल मिक्स करके खाने का, तो सब बनाओ, नॉन वेज भी बनाओ रोटी भी बनाओ चावल भी बनाओ, तो सब कुछ ज़्यादा ज़्यादा हो जाता है। बाकी कर लेंगे, निशान बाबू है वो लोग हैं आराम से हम लोग कर लेंगे। तो है ही, आज थर्सडे है वरना बाबू का मन थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा क्योंकि बारिश जैसा मौसम हुआ तो ठंडा ठंडा लग रहा है। बाकी ये जाएंगे तो बोल रहे हैं आज मे भी रात को रुक सकेंगे, तो वही मुझे टेंशन हो रहा है, कभी अकेले रहे नहीं है बाबू को ऐसे लेके, और ये भी जा रहे हैं मम्मी भी नहीं है। कोई नहीं, हम लोग रात भर वीडियो कॉल पे बतियाएंगे। हाँ जा रहे मस्ती करने। एनीवे गाइस तो जाना तो पड़ेगा और देखते हैं आप लोग तो आज ही आ जाइएगा, नहीं तो कोशिश करेंगे गाइस कि अगर सब कुछ पॉसिबल है तो आज रिटर्न बैक हो जाए। बट मुझे लगता है कि गाइस मेरी नानी घर मतलब पता है गाइस मेरा जो बचपन है ना वो नानी घर में बीता है, तो वहाँ एक अलग ही बॉन्डिंग है, मैं बहुत इमोशनल हो जाता हूँ वहाँ पे जाके, वहाँ की चीज़ों को देख के जब भी रूबरू होता हूँ ना अजीब सा एक हो जाती है, कैसे देख रही है इमोशनल हो जाए, मेरे विदाई जैसे ये भी रोएंगे लग रहा है। अरे मैं रोया हूँ, मैं 10+2 तक नानी घर जाता तो मैं रोता था नाना नानी मामा के लिए। मेरी बाबू भी रोएगी अपनी नानी घर जाएगी तो ऐसे करके, नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे अपने घर। हाँ भाई इसके नाना नानी बहुत प्यार करते इसे। और चलिए चलते गाइस आगे ब्लॉग को कंटिन्यू करेंगे। तो गाइस अभी वक्त हो चुका है यहाँ से निकलने का, और निशा सारा कुछ जो मतलब नई भाभी है हमारी उसके लिए निशा ने गिफ्ट पैक किया है और बहुत ही खूबसूरत है ये गिफ्ट, तो वो भी लेकर जाना है। और ये पैकिंग कर रही थी, बाकी मैं अपना रेडी वेडी हो चुका हूँ और प्यारा सा एक बैग छोटा सा ले लिया उसमें हाफ पैंट पहन के जा रहे हैं। गाइस कैप्री है ये, हाफ पैंट नहीं, और ये देखिए ये पहना हुआ है दिख नहीं रहा है,
चलिए कोई नहीं। और ये देखिए, ये हमारी बुटवा उठ गई है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कोई ये वाला मोजा लेकर आना, परा सुना कहां के धोखे का नहीं रखे धोखे का नहीं रखे थे अपने कपड़ों को हमने कपड़ों को धोखे का नहीं रखते मोजा इतना पैसा है कि जब जहां जाएगा मोजा खरीद के लाके पहनिएगा। आप लोग बस देखते रहिए, हाँ जी ब्लॉग में डालेंगे। ये ऐसे ही बताइए मुझे, ऐसे ही कर दी ये टॉर्चर करती है आपको भाई, टॉर्चर। महिला आयोग वाले लोग जरा देखिए, को पुरुष आयोग बनाना पड़ेगा ऐसा ऐसा महिला ला। पहले आप ये कहीं जाने के लिए आप हमेशा मोजा ही खरीदिएगा। मेरा मोजा क्या किया, ये मेरे भाई को दी थी पहनने के लिए। हमने दिए हैं। चलो छोड़ो कोई नहीं, अभी चलते हैं गाइस। और टिप रही थी मेरा, देखिए हालात ही थी अपना, देखिए नाखून कैसे बढ़ा ही रखो जी। नाखून नहीं बढ़ा है मेरा, होते हैं तो ना तो ना नहीं बढ़ा, देखिए नाखून कैसे बढ़ा है। एनीवे गाइस चलते अभी यहां से, बाय बाय। बहुत मतलब आप हाफ पैंट पहन के जाइएगा। हां बुटवा को अच्छे से रखना, बाय बाय, लव यू ऑल। फुल पैंट पहनने के लिए वहां पर रखा हूं मैं। चलो भाई बाय बाय, बाय बाय बुट्टू, बाय बाय बुट्टू। तो गाइस चलिए चलते हैं। तो फाइनली गाइस पहुंच चुका हूं और अभी गेट लॉक है, देखते सभी कहां हैं। तो गाइस ये देखिए मां यहीं पे है। तो गाइस फाइनली आ चुका हूं पुराने वाले घर पे और यहीं पे सारा फंक्शन चल रहा है नीचे। बाकी आते आते सबसे पहले नानी से मिला। तो गाइज मतलब अगर आज मैं सेफ हूँ, मेरी लाइफ है, तो नानी की बदौलत है और नानी से एक अलग ही लगाव है। आप सभी को पता है कि नानी का कितना रोल होता है लाइफ में, तो बहुत सुकून मिलता है। बट ये भी काफ़ी अवेजेड हो गई हैं। नानी मेरा ब्लॉग देखती है, नानी हमारा वीडियो देखे नहीं सुनू ना देखा लो सुनू उतना लेकिन वीडियो देखती है। और ये हमारे मामा के बेटे आदर्श भाई, इनको आप लोग पहले भी ब्लॉग में देख चुके हैं। और ये मेरी दीदी का बेटा है। तो ये सब मतलब आते ही सभी एकदम ऐसा लग रहा है कि कोई सेलिब्रिटी हूँ मैं। सभी पहुँच चुके हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। सब यही कह रहे हैं कि मैं वीडियो देखते हैं। मतलब मैं बता नहीं सकता कि बहुत दिनों बाद यहाँ पर हूँ, मतलब कई साल हो गए थे यहाँ पे आया हूँ। तो एक अजीब सा सुकून मिल रहा है, मतलब यहाँ मतलब ऐसा लग रहा है आस पास मेरा पूरा बचपन बीता हुआ है, तो सारी चीज़ें रिकॉल हो रही है, सारी मेमोरी याद आ रही है। तो नानी घर से सभी का लगाव होता है ना गाइस, एक ऐसा होता ही है, जुड़ाव होता है सभी का नानी घर से। बाकी अभी चलते हैं, सभी से मिलते हैं, मामी लोग सभी को ही है नीचे। और नई जो हमारी प्यारी सी भाभी आई है उनसे भी मिलवाऊंगा आप लोगों को, तो आप लोग बने रहे ब्लॉग में। तो गाइस ये देखिए मेरी प्यारी सी बहन है और ये लगती है बॉय कट बाल, लेकिन आज बेचारी ये कैसे कैसे लड़की बनी हुई है। ये देखिए ये मेरी प्यारी सी बहन है इधर, और ये प्यारी सी बुटकू। ये देखिए ये सतमिका, इसका नाम है ना, इसका क्या नाम है, इसका नाम है सिद्धिश्री। सिद्धिश्री तो ये मेरी बेटी से कितने दिन छोटी की बड़ी है, छोटी छोटी है, एक महीना, एक महीना गाइस। वो एकदम प्यारी है बहुत। जी मेरे जीजू। और ये हमारे मतलब मेरे तो भाई साहब भी लगेंगे और जीजू भी लगेंगे, छोटी बहन के हस्बैंड है ये। भाई तुम चेहरा दिखाओ तो सही, दिखा दो। ये अपना बुआ के भतीजा ना, ये सब भाई साहब एकदम बुआ को पकड़ लेके बैठा हुआ है सब। और गाइस ये पूरा बच्चा मंडली इधर देखिए, ये सभी कह रहे हैं कि हम लोग आपका ब्लॉग देखते हैं और बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये जल्दी से 50 शेयर करवाइए आप लोग। ये भी एक भाभी है बेचारी है, एकदम कपड़ा उपड़ा कब तैयारी नहीं होगी का होंगे होंगे। चलिए मौसी आ चुकी है जस्ट प्रमोट कर लिया और सब पूरा बच्चा बन ले, सब ब्लॉग के चक्कर में है, देख रहे हैं ब्लॉग बना। सभी मौसी और मौसा जस्ट पहुंच ही रहे हैं। प्यारा सा बुटकू है ये, मामू है मेरा। गाइस ये है हमारे प्यारे दूल्हे रजा, यही हमारे भाई है जिनकी शादी हुई थी। भाई साहब साइनिंग आ गया, एकदम मोटा ताजा लग रहा है, हम समझ रहे हैं। गाइस बाकी गाइस गाइस ये भी है जो चिकन बिरयानी के लेग पीस हुआ करते थे, लेकिन अभी इनकी सेहत काफी अच्छी है। अच्छा लेकिन ये तो शादी एक दिन में कैसे आ गया इधर, 3 साल हो गया, 4 साल, 3 साल में पेट इनका सब देखिए थोड़ा सा निकल गया है। बट चलिए एनीवे गाइस अभी चलते हैं फ्रेश होने और अभी पार्टी शुरू होगी इवनिंग में। तो गाइस अभी उस घर से यहाँ पर आ गया हूँ, ये नया वाला घर है। और ये देखो ये मेरी बहन है, मौसी की बेटी, और देखो हम दोनों का मैच कर रहे हैं ड्रेस। बाकी गाइस अभी धमाकेदार पार्टी होने वाली है और सोचा था कि इसी ब्लॉग में जो नई वाली भाभी आई है उसको दिखाऊँ, बट क्या है कि सभी बिजी हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है गाइस शादी का माहौल है, पूरे घर में सभी जगह पूरा रश है। बाकी इवनिंग में सभी से मिलाऊंगा और इवनिंग वाला जो ब्लॉग होगा गाइस
डांस होने वाली है और वो भी भोजपुरी गाने पे। तो समझ सकते हैं कितना खतरनाक ब्लॉग आने वाला है अभी। तो आप लोग बरेरा ब्लॉग में रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं इवनिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।